And next one, again another topic based on previous session. Just मैंने previous session में cover किया था pointer to an array. इस case में just क्या है? How to returning pointer to an array from a function. Suppose अगर आपके पास कोई भी user defined function है, इसी user defined function से just return क्या कराना मुझे address of complete array. Means previous cases में आपको याद हो, one more case, इस case में just सबसे पहले मैं topic या concept discuss करूँ, concept का finally concept को cover करेंगे by using given example. इस example में last में discuss करूँगा. In that case, for example, अगर आपके पास कोई function available है like m1, इस m1 function के body part में ने कोई array create किया like that, static int a5. इस array के respect में बात करें तो array के अंदर currently elements कितने हैं? There are 5 elements with some initialization. Same as इस केस में रिटर्न करा है, write down की जैसे return only a. Write क्या किया इस केस में? Return only a. तो आपको पता होना चाहिए array name से जैसे represent क्या होता है array के first element का address. इस केस में element का type क्या? Int. तो element का address क्या? वो int star. इसलिए इस केस में function का return type क्या use करोगे? Just int star. लेकिन आपको इस केस में ऐसा लगता है इस केस में array का address नहीं हो रहा, real केस में इस केस में return क्या हो रहा है? होल एरे का एड्रेस और एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस. लेकिन कॉलिंग प्लेस पर जस्ट इस एड्रेस में इंक्रीमेंट करा के एरे के रिमेनिंग एलिमेंट को एक्सेस करना पॉसिबल होता है. मींस इस केस में डिक्लेरेशन कैसा है? वैलिड. बट सपोज दैट अगर आपके किसी पर्टिकुलर केस में एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रिटर्न करा के आप रिटर्न क्या कराना चाहते हो? होल एरे का एड्रेस. मीन्स एम परसेंट ऑफ ए से क्या रिप्रेंट हुआ? होल एरे का एड्रेस. और ए से क्या रिप्रेंट हुआ था? जस्ट फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस. अगर आप कंप्लीट एरे का एड्रेस रिटर्न कराना चाहते हो, इस केस में एरे के केस में एलिमेंट्स कितने? 5. तो इस एरे का साइज क्या होगा? 10 बाइट्स. चेक कर सकते हो इस केस में एड्रेस ऑफ ए मीन्स रिटर्निंग एड्रेस ऑफ 10 बाइट्स. मीन्स करेंट केस में टोटली कितने बाइट्स का एड्रेस रिटर्न हो रहा है? एग्जैक्टली 10 बाइट्स. तो 10 बाइट. लेकिन इस केस में रिटर्न टाइप के अकॉर्डिंग अगर किसी भी प्लेस पर आप इसे m1 फंक्शन को कॉल कर दो, देन कंपाइलर से और इसका रिटर्न टाइप क्या है? इंट स्टार. कंपाइलर ये चेक नहीं करेगा रिटर्न क्या हो रहा है, चेक क्या करेगा? रिटर्न टाइप. तो रिटर्न टाइप के अकॉर्डिंग m1 का रिटर्न टाइप क्या है? इंट स्टार. इंट स्टार मीन्स जस्ट 2 बाइट्स. इंट स्टार से कितने बाइट्स रिप्रेजेंट हो? 2 बाइट्स. इस केस में आप इसको असाइन भी किसमें कराओ? जस्ट ऑर्डिनरी पॉइंटर वेरिएबल p लाइक दैट. इट इज वैलिड कॉलिंग. लेकिन इस केस में प्रॉब्लम क्या है? पॉइंटर के थ्रू होल एरे पॉइंट होगा, ओनली फर्स्ट एलिमेंट पॉइंट होगा, ओनली फर्स्ट एलिमेंट पॉइंट होगा. लेकिन इसके साथ रिक्वायरमेंट क्या है? इस पॉइंटर के थ्रू इसे कंप्लीट होल एरे को पॉइंट कराना चाहता हूँ. होल एरे को पॉइंट कराना है, उसके इसमें रिटर्न टाइप मीन्स रिटर्न क्या हो रहा है? एड्रेस ऑफ ए इज वैलिड मीन्स 10 कंप्लीट ब्लॉक का एड्रेस नहीं हो रहा. लेकिन इसके इसमें रिटर्न टाइप और रिटर्न वैल्यू कॉम्पिटेबल है क्या? नहीं. इसके इसमें रिटर्न टाइप के अकॉर्डिंग कितने बाइट का एड्रेस रिप्रेजेंट हो रहा है? 2 बाइट्स. और रिटर्न क्या हो रहा है? एड्रेस ऑफ 10 बाइट्स. इसके इसमें जस्ट रेज होगा आइदर वार्निंग मैसेज और कंपाइल टाइम एरर, मे बी सस्पिशियस पॉइंटर कन्वर्जन. या तो वार्निंग आएगा या फिर कंपाइल टाइम एरर. जैसे वार्निंग या कंपाइल टाइम एरर को अवॉइड करने के लिए जस्ट आपको प्रोवाइड क्या करना होगा? करेस्पॉन्डिंग प्रॉपर रिटर्न टाइम. मीन्स इस केस में अगर आप किसी भी एरे का कंप्लीट एड्रेस रिटर्न कराना चाहते हो, उस केस में इस टाइप से रिटर्न टाइप मेंशन करना पॉसिबल नहीं है. मीन्स इस केस में जैसे रिटर्न टाइप इस टाइप से रिप्रेजेंट करो जस्ट लाइक दैट स्टार प्लस ए फंक्शन नेम एनक्लोज होगा इन साइड ब्रैकेट. क्लियर. नेक्स्ट वन, एंड में आप मेंशन करोगे आउटसाइड ब्रैकेट साइज ऑफ गिवन एड्रेस. मीन्स इस एड्रेस जिस एरे का आप एड्रेस रिटर्न कराना चाहते हो, उस एरे का साइज क्या है? एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने? एन मीन्स 5 एलिमेंट. तो इस प्लेस पर सप्लाई क्या करोगे? 5. इट इज अ वैलिड सिंटेक्स और वैलिड डिक्लेरेशन फॉर अ फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर टू एन एरे. इस डिक्लेरेशन से जस्ट रिप्रेजेंट क्या हो रहा है? हियर m1 रिटर्निंग pointer to an array having 5 elements and having integer types of element. मीन्स इस केस में इस फंक्शन से जस्ट रिटर्न क्या होगा? किसी ऐसे एरे का एड्रेस नहीं होगा जिसके अंदर इंटीजर टाइप के एलिमेंट स्टोर हैं, प्लस टोटल एलिमेंट्स कितने? 5. मीन्स फाइनली इस केस में बिगिनिंग 5 एलिमेंट का एड्रेस नहीं हो जाएगा. तो इस केस में जस्ट 5 एलिमेंट का एड्रेस नहीं हो रहा, तो 5 एलिमेंट मीन्स 10 बाइट्स. तो इससे मीन्स आप करेंटली ये सिंटेक्स कैसा है? वैलिड. लेकिन असाइनमेंट कैसा है? इनवैलिड. जब इसे पॉइंटर में असाइन करोगे, आपके पास एड्रेस 10 बाइट्स का आ रहा है, तो इस केस में असाइनमेंट भी किसमें कराएंगे? पॉइंटर टू एन एरे. तो इस केस में डिक्लेरेशन क्या टाइप यूज करोगे? लाइक दैट पी ऑफ 5. इट इज अ वैलिड फंक्शन डिक्लेरेशन ऑफ वैलिड असाइनमेंट. क्लियर. जब भी आप किसी फंक्शन से किसी एरे का कंप्लीट एड्रेस रिटर्न कराना चाहते हो, उसके साथ रिटर्न टाइप यूज करोगे एज अ पॉइंटर टू एन एरे. इस केस में फाइनली इस m1 फंक्शन के डिक्लेरेशन को देखकर किसी भी पर्सन के लिए बताना पॉसिबल है, इससे रिटर्न क्या होगा?
जस्ट एड्रेस बिकॉज ऑफ स्टार। लेकिन एड्रेस किस टाइप का रिटर्न होगा? इंटीजर टाइप का। लेकिन इंटीजर टाइप के कितने एलिमेंट का एड्रेस होगा? जस्ट 5 एलिमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, सेम कॉन्सेप्ट के बेस पर जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड किया है। इस केस में मैंने सिमिलर टाइप का यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन नेम एस एम वन। एम वन के केस में सिंपली इंटीजर एरे क्रिएट किया। ऐसे एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स। प्लस इसका टाइप मैंने स्टैटिक यूज किया, बिकॉज स्टैटिक एरे मेमोरी में एग्जिस्ट कब तक करेगा? जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है। क्योंकि किसी भी फंक्शन से ऑटो टाइप के एरे का एड्रेस रिटर्न कराना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? इन दैट केस फाइनली सर डिक्लेरेशन से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? इस फंक्शन से रिटर्न क्या हुआ? वैल्यू और एड्रेस, एड्रेस प्लस एड्रेस किस टाइप का रिटर्न होगा? इंटीजर टाइप का। और इंटीजर टाइप के टोटल कितने एलिमेंट्स का एड्रेस रिटर्न होगा? जस्ट 3 एलिमेंट। चेक कर सकते हो इस केस में रिटर्न क्या हो रहा है? वैल्यू और एड्रेस, एड्रेस। लेकिन एड्रेस किसका रिटर्न हो रहा है? इस होल एरे का। होल एरे के अंदर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। एलिमेंट का टाइप क्या है? इंटीजर। मीन्स ये परफेक्ट मैच है इस वैलिड डिक्लेरेशन से। इसके अकॉर्डिंग जब मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं परफॉर्म क्या कर रहा हूँ? मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल वेरिएबल ऑफ मेन। और इस प्लेस पर जस्ट प्रोवाइड क्या करूंगा? मेमोरी एलोकेशन फॉर वेरिएबल ऑफ द एम वन। जनरली एम वन के रिस्पेक्ट में ये इस डेटा एरिया के अंदर क्रिएट होगा ड्यूरिंग बिगनिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन। तो जस्ट इस केस में कोई भी स्टैक डायग्राम क्रिएट नहीं करना, नॉर्मल केस। इस मेन फंक्शन के अकॉर्डिंग जस्ट मेन के अंदर 2 वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, आई एंड पी। दोनों का टाइप क्या है? बोथ आर लोकल वेरिएबल्स। प्लस आई का टाइप क्या है? इंटीजर। आई के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे? जस्ट 2 बाइट्स। पी के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे? पी का टाइप क्या है? पॉइंटर। तो पी के लिए भी कितने बाइट्स एलोकेट होंगे? 2 बाइट्स। क्लियर? तो पी के रिस्पेक्ट में कॉल किया एम वन, कंट्रोल सेंड हुआ इनसाइड एम वन। एम वन के अंदर जस्ट एक एरे क्रिएट हुआ है। इस एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने क्रिएट हो रहे हैं? एग्जैक्टली 3 एलिमेंट इनसाइड डेटा एरिया। एड्रेस समथिंग 1000, 1002, 1004। क्लियर? देन फर्स्ट प्लेस पर वैल्यू क्या स्टोर है? जस्ट 10, 20 एंड 30। इस एरे का नेम क्या है? ए। ए के रिस्पेक्ट में इसके नेम्स क्या हैं? A0, A1, A2। फाइनली इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा? इस एरे का बेस एड्रेस विच इज 1000। कॉलिंग प्लेस पर रिटर्न होगा, इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा? 1000 आसानी किस में जाएगा? पी में। तो पी चेक कर सकते हो, पी में कैसा हुआ? 1000 पी। इस केस में ऑर्डिनरी पॉइंटर है, पॉइंटर टू एन एरे, पॉइंटर टू एन एरे। मीन्स इस केस में पॉइंटर पी किस लोकेशन से पॉइंट करना स्टार्ट करेगा? फ्रॉम 1000 लोकेशन ऑनवर्ड्स। इन 1000 ऑनवर्ड्स कितने एलिमेंट्स पॉइंट होंगे? टोटल 3 इंटीजर एलिमेंट्स, मीन्स 6 बाइट्स। पी इस लोकेशन से पॉइंट करेगा, इस कंप्लीट ब्लॉक का नेम क्या हो जाएगा? स्टार पी इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट्स। क्लियर? तो फर्स्ट एलिमेंट का नेम क्या हुआ इसके स्टार पी के अकॉर्डिंग? स्टार पी ऑफ 0, स्टार पी ऑफ 1, स्टार पी ऑफ 2। क्लियर? इसके जस्ट बाद जस्ट इस लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। लूप के अकॉर्डिंग आई में क्या समझ जाएगा? फर्स्ट टाइम 0। स्पेस में जस्ट आउटपुट डिस्प्ले कराऊंगा। फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या है? 0। 0 less than 3 कंडीशन इज ट्रू। तो स्पेस पर जस्ट रिप्लेस क्या हो जाएगा? आई का वैल्यू 0। स्टार पी ऑफ 0 में क्या स्टोर है करंटली? स्टार पी ऑफ 0 में क्या है? 10। तो फर्स्ट केस में प्रिंट एफ से डिस्प्ले क्या हो जाएगा? 10। नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 1 less than 3 कंडीशन ट्रू। देन अगेन क्या आएगा? स्टार पी ऑफ 1, और स्टार पी ऑफ 1 में क्या स्टोर है? 20। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम 30। फाइनली जैसे पी का वैल्यू 3 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगा। 3 less than 3 कंडीशन कम फॉल्स। फाइनली इस केस में आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा? 10, 20, 30। इस केस में इंपॉर्टेंट केस इसका आउटपुट नहीं, इंपॉर्टेंट केस क्या है? इससे किसी भी फंक्शन से अगर आप किसी एरे का कंप्लीट एड्रेस कराना चाहते हैं, उसके साथ फंक्शन का डिक्लेरेशन टाइप क्या होना चाहिए? अदरवाइज इस केस में अगर आप ऑर्डिनरी डिक्लेरेशन यूज करते हो लाइक दैट, अगर आप सिंपली यूज करते हो डायरेक्टली इंट स्टार, प्रीवियस सेशन में मैंने जस्ट इस केस में मैंने प्रोवाइड कर दिया था रिटर्न टाइप लाइक दैट इंट स्टार एम वन। क्लियर? लेकिन इस केस में आपको याद होना चाहिए प्रीवियस केस में अगर आप इस टाइप से फंक्शन का डिक्लेरेशन यूज कर रहे थे ना, इस केस में आप रिटर्न टाइप भी, रिटर्न टाइप के केस में यूज क्या कर रहा था? एड्रेस ऑफ ए और ओनली ए, ओनली ए। ए मीन्स एरे नेम, और एरे नेम से क्या रिप्रेजेंट हुआ था? एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। और रिटर्न टाइप से क्या रिप्रेजेंट हुआ? 2 बाइट का एड्रेस। इसलिए प्रीवियस केस में डिक्लेरेशन वैलिड था, लेकिन इस टाइप के डिक्लेरेशन के केस में कभी भी कंप्लीट एरे का एड्रेस रिटर्न कराना पॉसिबल नहीं। अगर आप कंप्लीट एरे का एड्रेस रिटर्न कराना चाहते हो या पार्ट ऑफ एरे का एड्रेस रिटर्न कराना चाहते हो, उसके साथ रिटर्न टाइप किस टाइप से यूज करो? दैट वन। अगर एरे का साइज 3 है, सपोज दैट, और इस केस में मुझे कंप्लीट एरे का एड्रेस रिटर्न करा के ओनली एरे के बिगिनिंग 2 एलिमेंट का एड्रेस रिटर्न कराना, देन इस प्लेस में मेंशन क्या करोगे?
ओनली टू, लेकिन इस केस में अगेन क्या रेज होगा, वार्निंग और कंपाइल टाइम एरर इन केस ऑफ एड्रेस ऑफ ए रीजन, क्योंकि एड्रेस ऑफ ए से मीन्स होल एरे का एड्रेस रिप्रेजेंट होगा मीन्स 6 बाइट्स, और ऑलरेडी मेंशन किया इसके अकॉर्डिंग कितने एलिमेंट का एड्रेस हो रहा है 2 बाइट मीन्स 2 एलिमेंट मीन्स 4 बाइट्स मीन्स अगेन टाइप मिसमैच हो रहा है, इसलिए यूज क्या कर सकते हो टाइप कास्टिंग लाइक दैट। इस टाइप कास्टिंग किस फॉर्म होगा, इंट रिटर्न क्या हो रहा है वैल्यू और एड्रेस, एड्रेस हाउ मेनी एलिमेंट्स ओनली 2 एलिमेंट्स इज द वैलिड रिटर्न टाइप। जैसे स्टार्ट से डिफरेंट डिक्लेरेशन है जो कि आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के चांसेस होंगे। क्लियर।